नागपुर जिले के पाटन सावंगी में दो सगी बहनों की संदेहास्पद मृत्यु के मामले की कड़ी सुलझाने में पाटन सावंगी पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। इस मामले में दोनों ही बच्चियों को फूड पॉइजन होने का संदेह पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर इन्होंने व्यक्त किया है। 5 जुलाई को सावनेर के पाटन सावगी क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। दरअसल वहां पर एक ही परिवार की दो मासूम बेटियां साक्षी फूलचंद मीना और राधिका फूल सिंह मीना की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला सामने आया था। सूचना मिलते ही पाटन सावगी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव को मेयो अस्पताल भेजे गए थे। मामले की जांच एपीआई निशांत फुलेकर कर रही हैं। गौरतलब रहे कि पुलिस ने घटना की रात बच्चों को परोसे गए भोजन के सैंपल लिए गए थे। घरगुती स्वरूप कदाचित काहीतरी विष त्या मुलींच्या पोटात गेलेला असेल, जसे की उंदराचे किंवा असे ते सांगतायत। मी डॉक्टरला मी स्वतः बोललो त्यामध्ये, तर असं दिसते की काहीतरी अन्नामधून त्यांचं फूड पॉइजनिंग झाल्यामुळे झालेली घटना आहे ती। परंतु अद्यापही त्याचा विसेरा आम्ही ते याला पाठवलेलं, ते आल्यानंतरच फायनल कॉज कळेल की नेमकं कशाने मृत्यू झाला। बताया जाता है की अचानक हुए इन दोनों ही मासूम बच्चियों की मौत ने कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। दोनों की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिली है कि उनके शरीर में जहर था। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।